हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लोवल हाइलाइटिंग। और इनके बालों का आप टेक्सचर देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा ब्लैक है और ना ही ज़्यादा ब्राउन है, बीच का शेड है। और इन बालों में हम इनके ग्लोवल हाइलाइटिंग करेंगे। तो ग्लोवल हाइलाइटिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। हम लोग जब कभी भी ट्यूब से या ब्लोंडर से या डेवलपर से काम करते हैं और पूरे बालों में करते हैं तो उसको जो है ग्लोबल हाइलाइटिंग बोला जाता है। तो आज जो मैं शेड लेने वाली हूँ वो है 7.3 गोल्डन ब्लोंडर है। ये काफ़ी अच्छा है, शेड है ये, और काफ़ी अच्छा पिगमेंट आता है बालों पर। मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन की साइड नहीं जाता बट काफ़ी अच्छा शेड आता है। और इसमें हम यूज़ करेंगे 40 वॉल्यूम। 40 वॉल्यूम क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता दूँ। 40 वॉल्यूम जो यूज़ होता है वो होता है कलर उतारने के लिए। मतलब इनका जो बालों का मोर ब्लैक कलर है उसको हम गोल्डन तक लेकर आएंगे तो हम लोग 40 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और इस तरीके से देखिए, आप लोग देख सकते हैं मैं ट्यूब निकाल रही हूँ। ये मैंने 7.3 का ट्यूब लिया है। 1/1 का रेशा रहेगा, ये भी आप याद रखिएगा। और अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये है ब्लोंडर। ब्लोंडर को मैं थोड़ा सा 1 स्पून डाल रही हूँ। ब्लोंडर पाउडर जो होता है मैं उसको 1 स्पून इसमें डाल रही हूँ। और ट्यूब के, ब्लोंडर के और डेवलपर के तीनों के साथ में मैं काम कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को डबल काम ना करना पड़े इसलिए ये ब्लोंडर डाला गया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अगर ट्यूब का काम करते हैं तो हमारा कलर आता नहीं है, मतलब बहुत लेट आता है या आता नहीं है। तो आप उसमें 1 चम्मच ब्लोंडर मिला लीजिए तो आपका डेवलपर, ब्लोंडर और कलर का जो मिक्सिंग होगी वो आप इस तरीके से बराबर बराबर कीजिए। और उसके बाद में आप एप्लीकेशन स्टार्ट करिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल से मैं समझा रही हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा कीजिए। आप लोग बीच से ही वीडियो को कट कर देते हैं और बिल्कुल फिर कमेंट करते हैं उल्टे सीधे। जो आप लोगों को क्वेश्चन आप जो मुझसे करते हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं वीडियो में आंसर दे चुकी होती हूँ। तो मुझे बार बार उस चीज़ का आंसर देना नहीं है ज़्यादा, मतलब टाइम भी नहीं है इतना। तो अब आप लोग देख सकते हैं, पूरी वीडियो देखा कीजिए। तो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैंने नीचे से बाल लिए हैं। सबसे पहले हम सबसे नीचे के बाल लेंगे, नेक के बाल। उनमें से एक लेयर छोड़ते जाएंगे और एक लेयर में हम लोग इस तरीके से, देखिए आप लोग देख सकते हैं, पार्टीशन करेंगे। तो ये जो पार्टीशन है, इस तरीके से हम लोग जो पार्टीशन करते हैं, मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम के साथ काम करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना पसंद नहीं है जो सुनने वाले को भी समझ में ना आए। तो अब आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पार्टीशन की है ये बहुत ही ईजी होती है। आप लोग इस पार्टीशन को बहुत गौर से देखिए क्योंकि इतना हार्ड नहीं होता है करना। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को चीज़ों को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर दिखाया जाता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बिल्कुल, और ये मेरा रियल काम है, ये मेरे पार्लर पर रियल कस्टमर के साथ में काम हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट भी आप लोगों को रियल ही देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए कोई डेमो वगैरह नहीं कर रही हूँ, ये मेरे रियल कस्टमर हैं तो मैं इनके ऊपर काम करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए, पार्टीशन आप देख सकते हैं, कॉम लीजिए, टेल कॉम लीजिए और बालों को इस तरीके से पकड़िए और उसमें से इस तरीके से देखिए पार्टीशन करते चले जाइए। ये पार्टीशन जो होता है ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें आप लेयर्स अपने हिसाब से मोटी और पतली ले सकते हैं। जितना मोटा चाहें उतना बाल मोटा भी ले सकते हैं, जितना पतला चाहें उतना पतला भी कर सकते हैं इसमें आप। तो ये आपके ऊपर है कि आप जो ये पार्टीशन कर रहे हैं ये किस तरीके का करें। तो मैंने इनकी जो एयर टू एयर पार्टिंग के बाल जो थे वो आगे करा दिए थे और अब मैं नीचे की साइड के बालों पे काम कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, पीछे के बाल मैं क्राउन एरिया तक लेकर आई। क्राउन एरिया तक ही मैं पीछे का काम करूँगी। तो पीछे जो हम इस तरीके से देखिए डाल रहे हैं, और मुझे जहाँ पर इनकी लग रहा है कि थोड़ी मोटी लेयर डालनी चाहिए मैं वहाँ पर थोड़ी मोटी लेयर डाल रही हूँ। जहाँ मुझे लगना चाहिए कि मुझे पतली लेयर डालनी है वहाँ पर मैं पतली लेयर डाल रही हूँ। ये हमारा अपना खुद का सिक्स सेंस होता है कि हम लोगों को देखना होता है किस तरीके का क्लाइंट का बाल है। क्योंकि क्या होता है ना, बाल भी इवन नहीं होता है, कहीं बाल कम होता है और कहीं बाल ज़्यादा होता है। तो देखिए, पीछे की साइड में मैंने बाल लगा, सारे बालों पर एप्लीकेशन कर दी और उसके बाद अब मैं आई हूँ एयर टू एयर पार्टिंग में जो मैंने बाल छोड़े थे उन पर। तो अब आप लोग ये गौर से देखिए कि पीछे के बालों का जो मैंने एप्लीकेशन की थी वो पीछे की साइड को की थी और जो मैं साइड के बाल ले रही हूँ वो एक साइड को ले रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है, सारे बालों की एप्लीकेशन पीछे को नहीं करनी है। तो इस तरीके से देखिए, और आगे के बाल में बहुत पतली लेयर्स ले रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पतली लेयर ले रही हूँ। कान के पास वाली जो लेयर है वो काफ़ी पतली ले रही हूँ। अब जैसे जैसे मैं ऊपर होती चली जाऊँगी वैसे वैसे मैं इन लेयर्स को थोड़ा सा मोटा करती चली जाऊँगी क्योंकि बाल भी हैवी हो जाते हैं ऊपर तक आते आते। तो इन चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है वो हम लोग खुद रखें
और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो काम अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। तो इस चीज़ को आप मत सोचिएगा कि आपने वीडियो देखी और तुरंत क्लाइंट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। क्लाइंट के ऊपर काम थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगर आपने वीडियो देखी और आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो यूज़फुल है, इस तरीके के मेथड से हम लोग कर सकते हैं काम, तो पहले प्रैक्टिस करके देखिए एक दो लोगों के ऊपर, और उसके बाद में आप अपने रियल कस्टमर के ऊपर काम कीजिएगा। बहुत अच्छा होगा, काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मैं आपको अपने रियल कस्टमर पर ही दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, एक साइड की पार्टीशन हो गई है, इस तरीके से हम लोगों ने सिल्वर फॉइल के अंदर ये रैप कर दी है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कई कई बार डाल चुकी हूँ, बट क्योंकि आई थिंक आप लोग सर्च नहीं करते हो चैनल को ठीक से, तो मैंने सोचा कि चलिए दोबारा भी बना देती हूँ इसकी वीडियो। हालाँकि ये वीडियो 3-4 बार जा चुकी हैं, हाईलाइटिंग की वीडियो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, बट आज जो मैंने आप लोगों को एक नई टेक्निक बताई है कि आप लोग ब्लोंडर, डेवलपर और ट्यूब तीनों को मिक्सिंग करके एक साथ भी काम कर सकते हैं, और आपको डबल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही एप्लीकेशन में आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग पहले हमने एक साइड किया, पहले हमने पीछे किया, फिर एक साइड किया, और अब हम दूसरी साइड आ गए हैं। तो इस तरीके से हम इनके पूरे बालों में एप्लीकेशन कर देंगे। और मैं आपको बता दूँ, वीडियो मैंने फास्ट की है थोड़ी सी, क्योंकि ये करने में 1 से 1.5 घंटा लगा था, और आप लोगों को दिखाने में मुश्किल से 13-14 मिनट की वीडियो होती है, तो इतना बहुत मुश्किल होता है पूरा सब कुछ दिखा पाना। तो बीच में से वीडियो फास्ट भी की गई है, तो आप लोगों को इसलिए जल्दी जल्दी लग रहा होगा। फिर भी जो लोग पार्लर रन कर रहे हैं उन लोगों को ईजिली समझ में ये चीज़ आ रही होगी, और मेरे साथ बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अपना पार्लर रन कर रहे हैं, और वो मेरी पार्लर की मतलब ये जो वीडियो मैं डालती हूँ इनसे काफ़ी हेल्प हो रही है उनको अपना पार्लर चलाने में। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है, जो लोग बिगनर हैं इस लाइन में उन लोगों के लिए ये वीडियो है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग प्लीज़ वीडियो को ना देखें, क्योंकि फालतू के कमेंट आप लोग करते हैं जब, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो ये मैं आपको बता दूं, जब आपको काम करना आता नहीं है तो आप प्लीज़ दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, क्योंकि मुझे जैसा आता है मैं वैसा ही करके दिखाऊंगी, आप लोग मुझे सिखा नहीं सकते हो। तो कुछ लोग हैं जो चैनल पर आकर फालतू की बकवास करते हैं, तो प्लीज़ वो बकवास ना करें, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत है। और उन लोगों के कमेंट जब मेरे पास आते हैं, तो जब मैं उनको रीड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, और इंटेलिजेंट लोगों को हमारी वीडियो देखने का कोई मतलब भी नहीं पड़ता, मैं ये भी आप लोगों से कह दूँ। क्यों देखते हो आप लोग, जब इतने इंटेलिजेंट हो, आपको सब आता है करना, तो आप क्यों देख रहे हो वीडियो? जिनको नहीं आता वो वीडियो देखो। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने 30-40 मिनट इसको छोड़ दिया था। उसके बाद में पहले चेक करते रहना पड़ता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सारी बालों में हाईलाइटिंग हो जाए, आप लोगों को ना बीच बीच में लेयर्स को खोल खोल के चेक करना पड़ता है। जिन बालों पे हो जाए जो कलर आपको चाहिए और वो कलर आपको लग रहा है कि आ गया है, तो उस कलर उस लेयर्स को खोलते चले जाइए। बाकी जो लेयर पे कलर ना आए उन लेयर्स को अभी रैप रहने दीजिए, क्योंकि अगर ये रैप रहेंगी तो ही इन पे कलर आएगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इन पे कलर ऐसे नहीं आता है। अगर आप इनको सिल्वर फॉइल से बाहर निकाल देंगे तो इनका काम वहीं पे रुक जाएगा। तो देखिए, जो जो लेयर्स हम लोग चेक कर रहे हैं, जो जो लेयर्स होती चली जा रही हैं, उन लेयर्स को हम लोग खोलते चले जा रहे हैं, और जो लेयर नहीं हुई हैं उनको अभी रैप रहने देंगे। तो बस इसी तरीके से हाईलाइटिंग होती है। ग्लोबल हाईलाइटिंग जो होती है वो पूरे बालों में की जाती है, जिसमें आप सोचिए कि कम से कम 30-40 लेयर्स डलती हैं बालों में, और काफ़ी अच्छी लगती हैं वो। आप हर तरफ से देखेंगे तो आपके बालों का जो शेड है वो आपको हर तरफ से चेंज लगेगा, और बहुत प्यारा सा लगता है। तो फाइनल रिजल्ट आप लोग देखिएगा इनका। तो इनको काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब ये 30 मिनट हम लोगों ने वेट कराया, 1.25 घंटे में कम से कम इनकी एप्लीकेशन हुई थी, तो उतनी देर में इनका कलर आ गया, क्योंकि इनका बाल जो है वो वर्जन है, ये कलर वगैरह यूज़ नहीं करती हैं, तो जल्दी कलर आ गया। बट कुछ लोग क्या होते हैं ना, मेहंदी वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके बालों पे कलर आता नहीं है, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इनके बालों को करा रही हूँ वॉश, काफ़ी अच्छे से वॉश कराना है, काफ़ी अच्छे से शैम्पू करना है। मैं आप लोगों को बता दूँ, आपको बहुत ही जेंटली शैम्पू करना है, क्योंकि हाईलाइटिंग जो होती है वो अगर आपकी रूट वगैरह पर कहीं टच हो गई होगी, वैसे हम लोग काफ़ी सारी रूट छोड़ के करते हैं, मतलब कम से कम काफ़ी दूर से हम लोग हाईलाइटिंग करते हैं, रूट पे बिल्कुल भी टच नहीं होने देते हैं, तो ये चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर भी जब आप इसका वॉश कर रही हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से शैम्पू, कंडीशनर और बहुत अच्छे से वॉश करना है बालों को। तो मैं इस टाइम पे शैम्पू करा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि काफ़ी लोग मेरे पास ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग जो हाईलाइटिंग हेयर होते हैं हमारे, वो काफ़ी डैमेज हमें दिखते हैं, तो वो क्यों दिखते हैं और उसको सही करने का क्या होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग हाईलाइटिंग कराते हैं उन लोगों को अपने बालों में टाइम टू टाइम पर हेयर स्पा लेना चाहिए, उनको अपना शैम्पू, कंडीशनर और हेयर मास्क वगैरह यूज़ करते रहना चाहिए बहुत अच्छे से, तो उनके बालों का जो डैमेजपन है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों
केराटिन हेयर मास्क लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरी क्लाइंट है उनके साथ में हमने हेयर स्पा भी किया था अभी हैंड टू हैंड, और आप हाइलाइटिंग के साथ में हेयर स्पा बिल्कुल आराम से दे सकते हैं अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम हो तो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। हेयर स्पा और आपकी हाइलाइटिंग में कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं, तो अगर आपके पास क्लाइंट के पास टाइम हो तो आप उनको हैंड टू हैंड हेयर स्पा भी दे सकते हैं। तो मैं इनके बालों में अभी हेयर स्पा भी कराऊंगी, और मैं जो इनके बालों में हेयर स्पा कराऊंगी उसमें जो मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ वो कैरेटिन हेयर मास्क है, काफ़ी अच्छा होता है। तो देखिए मैंने हेयर वॉश करा लिया और अब मैंने वेला वीटा का हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ मैं, कोकोनट और मैंगो से बना हुआ है ये। इसके अंदर आप लोगों को विटामिन B5 और विटामिन E मिलेगा, और आपके बालों में ये काफ़ी अच्छी सी रिपेयर करता है आपके बालों को, जो भी डैमेज हुए होंगे ये इस टाइम हाइलाइटिंग से उनको रिपेयर करेगा, क्योंकि ये कैरेटिन हेयर मास्क है जो आपके बालों को, कैरेटिन जो होता है ना वो एक प्रोटीन होता है जो हमारे बालों से चला जाता है जब हम लोग इस तरीके के केमिकल वाले काम कराते हैं अपने बालों में, तो जो कैरेटिन होता है वो हमारे बालों से चला जाता है। कैरेटिन एक प्रोटीन है जो हमारे बालों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे बालों में शाइन वगैरह आती है, तो अगर वो हमारे बालों से चला जाता है तो हमारे बाल काफ़ी डेड लगने लगते हैं और बहुत ही मतलब फिजी फिजी लगने लगते हैं। तो ये जो हेयर मास्क है ये एंटी फिजी हेयर मास्क है, कैरेटिन मास्क है ये, और काफ़ी अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करा रही हूँ देखो मैं। तो इस तरीके से आप लोग इस मास्क के साथ में हेयर स्पा कर सकते हैं। हेयर स्पा की वीडियो भी मेरे चैनल पर कई बार मैंने डाली है, आप लोग बिल्कुल एक बार चेक कीजिएगा। आई थिंक आप लोग ना चैनल को चेक नहीं करते हो बिल्कुल भी, और मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो हैं, बट आप लोग कमेंट करते हो तो मैं दोबारा दोबारा उन वीडियो को बनाती हूँ और आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना आप लोग सर्च नहीं कर पाते हो ठीक से, बट आप फिर भी एक बार सर्च किया कीजिए और बहुत अच्छे से आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए मैंने इनके पूरे बालों में छोटी छोटी लेयर्स के साथ में इस मास्क की एप्लीकेशन करा दी है। इस मास्क को लगाने के बाद मैं 30 से 40 मिनट या 15-20 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो, 15 से 20 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 से 20 मिनट इसको अपने बालों में इस तरीके से छोड़ सकते हैं लगाने के बाद। इसको लगाने के बाद आपको हीट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली हेयर स्पा जब करते हैं तो काफ़ी हीट वगैरह भी देते हैं, बट हमें वो स्टीम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 15 से 20 मिनट अपने बालों में छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप इसको हेयर वॉश करा लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं 15 से 20 मिनट मैंने ये बालों में छुड़वाया और उसके बाद अब मैं इनका हेयर वॉश करा रही हूँ, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा वार्म वाटर ही ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि सर्दियों में ठंडे पानी से बाल धुलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट जो है वो परेशान हो जाता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं इनके बालों में एक बाल हेयर वॉश होते होते कितनी प्यारी सी एक शाइन आ गई है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ की जो हाइलाइटिंग होती है जो मेरे पार्लर पर काम होता है उससे कभी भी किसी के बाल भी फिजी नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग बाद में काफ़ी सारा प्रिकॉशन लेते हैं कस्टमर के साथ में। तो ये सारे प्रिकॉशन अगर आप लोग भी लेंगे, आप सलाह दीजिए अपने क्लाइंट को कि आप हेयर स्पा करा सकते हैं हाइलाइटिंग के तुरंत बाद भी, तो आप इस तरीके से अगर किसी को सलाह देंगे तो बिल्कुल, अगर उनको लगेगा कि हाइलाइटिंग से बाल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डैमेज ज़रूर होता है, तो हो सकता है आपका क्लाइंट हेयर स्पा भी हैंड टू हैंड करा ले तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा रिजल्ट। तो देखिए आप देख सकते हैं इनकी जो हाइलाइटिंग का रिजल्ट आया है वो ये आया है, और ये अपने इस रिज़ल्ट को देख कर काफ़ी खुश थी, काफ़ी अच्छा इनका बाल लग रहा था। आप वीडियो को रोक कर और पहले के बाल देखिएगा जो इनकी हमने स्टार्टिंग की थी, और अब आप देख सकते हैं कितना मैजिकली चेंज आ गया है इनके बालों में। और ये एक टीचर है तो उसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने इनके बालों में कलर दिया है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं दिया है इनका, थोड़ा सा बालों को इसी तरीके का रखा है कि बहुत ज़्यादा गोल्डन ना हो जाएं, ये थोड़ा सा माइंड में रखा है। 7.3 जो एक कलर शेड है वो इसी कलर शेड का है, काफ़ी अच्छा शेड आता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।